नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज है अनंत चतुर्दशी, तो गणपति बप्पा को मैंने अंदर से चौकी हटा के बाहर बिठा दिया है और आरती जो धूप सब करके भोग लगा दिया है मैंने लड्डू का। देखिए, और सुबह से पूरे घर की साफ सफाई करके और उसके बाद नहा के तब मैंने गणपति बप्पा की पूजा करी है और इसके बाद खाने का भी भोग लगाऊंगी और उसके बाद जब जाएंगे हम विसर्जन करने तो देखिए हमारे गणपति बप्पा तो देखिए दोस्तों, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है और पूड़ी बना रही हूँ। बप्पा को भोग लगाने के लिए उसके थोड़ी देर बाद चलेंगे हम विसर्जन करने के लिए। गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप बहुत तेज है, इसीलिए मैं थोड़े सुबह से जल्दी जल्दी पूरा काम करा, नहा के कपड़े वपड़े सब धो के और पूरा झाड़ू पोछा, पूरे घर की सब साफ सफाई करके और वो जल्दी से मैंने भिंडी की सब्जी बनाई और सब पूजा पाठ करी और अब मैं खाना बना के उसके बाद वहाँ से आके तब खाना वाना खाऊंगी, पहले चलेंगे विसर्जन करने के लिए। थोड़ा 2-3 किलोमीटर है घर से, जो गंग नहर हमारे यहाँ निकल रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लग गया है ठाकुर जी का भोग। लग गया है गणपति बप्पा का। तो देखिए, अब मैं कर लेती हूँ तैयारी और फिर चलते हैं गंग नहर पे। तो देखिए, बप्पा को लेके अब हम चल दिए हैं, मैंने पूरे घर में घुमा लिया है और अब घर की परिक्रमा भी करवा देती हूँ इनको, फिर चलेंगे लेके। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस फिर जल्दी आना। अब जल्दी आना भाई, जल्दी आना। आई लव यू। जय गणपति बप्पा की।